हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज है 20 दिसंबर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? क्या है पहला क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से किस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी कि गोवा को आज़ादी कब मिली? तो गोवा को आज़ादी 19 दिसंबर में मिली, 19 दिसंबर 1961 को। कब? 1961 में एक भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जिससे कि गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय अभियान। क्या नाम था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन विजय अभियान। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको करंट अफेयर जरूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके बाकी सभी टॉपिक को कवर करता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जियोग्राफी है, साइंस है, या फिर अदर जो भी है, और इकोनॉमिक्स भी है। आपका सभी सब्जेक्ट कवर करके चलता है, प्रेजेंट में और पास्ट में जो भी हुआ है साथ साथ में रिवाइज होते हुए चलता है। तो फिर बात करते हैं यहाँ पर गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, और गोवा कब आज़ाद हुआ, 19 दिसंबर 1961 को, और किसके शासन से आज़ाद हुआ, पुर्तगालियों के शासन से, और भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान चलाया, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी दिलाई। अब बात हो रही है यहाँ पर गोवा की, तो यहाँ पर जान लेते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है यहाँ के? सत्यपाल मलिक। कौन है गवर्नर यहाँ के? सत्यपाल मलिक। सीएम है प्रमोद सावंत। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, हर साल साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है, तो इस बार अंग्रेजी का किसे दिया गया है? तो इस बार अंग्रेजी का शशि थरूर जी को दिया गया है। ये एक पॉलिटिशियन भी हैं और इनको काफ़ी अच्छा इंग्लिश का नॉलेज है। इनको डिक्शनरी मैन भी कहा जाता है। इनको बहुत ही अच्छी वोकेबलरी याद है या इनको आती है। ये हमेशा नए नए वर्ड्स को अपने भाषणों में प्रयोग करते हैं। तो इस बार अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी सम्मान है वो शशि थरूर जी को दिए जाने की घोषणा की गई। अच्छा, इनको किस बुक के लिए दिया जाएगा? तो इनको इनकी बुक है एक एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि एक अंधकार का एक युग रहा पूरा का पूरा, और ये बुक इनकी 2016 में रिलीज हुई थी। अच्छा, ये तो इंडिया में रिलीज हो गई। अब ब्रिटेन में भी इनकी यही बुक लॉन्च हुई थी या रिलीज हुई थी, लेकिन दूसरे नाम से। उसका नाम वहां पर जो रिलीज हुई ब्रिटेन में, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम था इन ग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। क्या नाम रहा, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, इन ग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। ये तो ब्रिटेन में आजाद रिलीज हो गई, लेकिन जो इंडिया में रिलीज हुई उसका क्या नाम है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है दोनों को, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अंग्रेजी की बात हो गई तो हम यहाँ पर अब जान लेते हैं हिंदी के बारे में भी। तो हिंदी की कौन सी बुक या फिर हिंदी का साहित्य सम्मान 2019 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो हिंदी का जो साहित्य सम्मान है वो नंद किशोर आचार्य जी को दिए जाने की घोषणा की गई, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनको किसे दिया जाएगा? इनकी कविता संग्रह एक छीलते हुए अपनों को, क्या है? छीलते हुए अपनों को इनका ये कविता संग्रह है, तो इसके लिए इनको ये साहित्य सम्मान 2019 दिया जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर साहित्य सम्मान की, तो कुछ इससे रिलेटेड हम इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब की गई, इसको कब शुरू किया गया? 1954 में इसको शुरू किया गया। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर 24 भाषाएं हैं। आप सोचेंगे कि हमारे संविधान में तो केवल 22 भाषाएं हैं। जी हाँ, संविधान में 22 भाषाएं तो हैं ही, जो आपकी आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, लेकिन दो भाषाएं अन्य और शामिल की गई हैं। एक तो मैंने ऊपर बात की अंग्रेजी, और एक आपकी राजस्थानी। तो यहाँ से एक हमारा संविधान का भी एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि अंग्रेजी भाषा जो है आपकी वो आठवीं अनुसूची के तहत नहीं आती है, और राजस्थानी भी
नहीं आती। तो याद रखें, कभी आपसे ऑप्शन में अगर आ जाए कि आपकी कौन सी ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं आती है, तो कौन सी? राजस्थान और अंग्रेजी नहीं आती, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत वंदना पार्क का शिलान्यास किया गया? बहुत ही एक भव्य पार्क बनवाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो भारत वंदना पार्क का शिलान्यास किस शहर में किया गया या फिर कहाँ किया गया? तो इसका शिलान्यास नई दिल्ली में किया गया, और किसके द्वारा किया गया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। इसमें टोटल 524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितना? 524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और ये भव्य बनाया जाएगा। इसमें क्या है, लोग आएंगे पर्यटन के तौर पर, इसको विकसित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मौजूद सब रूम, ये एक जगह का नाम, ये एक स्टेशन है, सब रूम नामक स्थान पर इस राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन SEZ का बनाए जाने की घोषणा की गई? तो ये इस राज्य का पहला है, तो किस में बनाए जाने की घोषणा की गई? त्रिपुरा में। आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छे से फायदा क्या है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इससे लगभग 12,000 लोगों को यहाँ पर कौशल आधारित रोजगार मिलेगा, यानी कि जो जिस फील्ड में माहिर है, जिसने उसमें प्रशिक्षण लेकर ले रखा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रोजगार दिया जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर त्रिपुरा की, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। तो यहाँ के सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। एक बार फिर से, सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है? यानी कि इसको पहले भी लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन अब इसको इसका ब्रेल एडिशन भी लॉन्च किया गया है। तो कौन सी बुक थी या इसका क्या नाम था? इसका नाम था एग्जाम वॉरियर। काफी ये चर्चा में रही थी और काफी एग्जाम में पूछी भी गई थी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये पहली बार कब लॉन्च की गई थी? जब ये लॉन्च हुई तो आपसे पूछा जा सकता है, 3 फरवरी 2018 को ये लॉन्च की गई थी, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किस भारतीय स्पिनर ने बनाया है? ये रिकॉर्ड इन्होंने किसने किसमें बनाया है? वनडे में बनाया, ODI में बनाया, वनडे इंटरनेशनल में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका क्या नाम है? कुलदीप यादव। इन्होंने अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक, दूसरी हैट्रिक बनाई है, और पहली हैट्रिक कब बनाई थी इन्होंने? 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में हैट्रिक बनाई थी। ये वनडे की बात हो रही है। इसके पहले और भी 3 भारतीय हैं जिन्होंने हैट्रिक बनाई है, चेतन शर्मा है आपके उसमें, कपिल देव हैं और मोहम्मद सामी भी हैं जो इनसे पहले हैट्रिक बना चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आज का लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने या फिर किस राज्य में ये योजना शुरू की गई, कौन सी जल साथी कार्यक्रम योजना दी है? ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। इनके ऑप्शन ए आपका सही होगा। सभी जो राज्य के निवासी हैं उनको स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करवाना राज्य की या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब बात हो रही है ओडिशा की, तो सीएम कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक है यहाँ के सीएम, और यहाँ पर गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, याद रखें। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को ऊर्जा दक्षता निवेश में विस्तार के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण जारी किया, यानी $250 का जो ऋण जारी किया है, तो किस देश के लिए जारी किया है? ऊर्जा दक्षता में बढ़ोतरी करने के लिए या फिर बढ़ोतरी करने के लिए, तो किसे? भारत को यह लोन दिया है। कितना? 250 मिलियन डॉलर का। अच्छा, ADB की यहाँ पर बात हो रही है, तो ADB की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब की गई? 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966। चलिए आगे लेते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में UWW का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता? UWW का मतलब है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने अपने नाम किया या किसने जीता? तो इसको जीता है दीपक पूनिया ने, भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ने।
ऑप्शन ए आपका सही होगा। इन्होंने भी कुछ ही दिन पहले विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था, और ऐसा 18 साल में पहली बार इन्होंने, ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप या विश्व वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं आपके कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे पूछा था कल आपसे कि हाल ही में अंगला थल सेनाध्यक्ष किसे चुना गया, ये किसकी जगह लेंगे, ये तो एक तो बिपिन रावत जी की जगह लेंगे, और किसको चुना गया है, मनोज मुकुंद नरवाने जी को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। अंगला थल अंग्रेज थल सेना अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, मनोज मुकुंद नरवाने। अब बात हो रही थल सेना की, साथ साथ में मैं आपको बता दूं आपके एयरफोर्स चीफ हैं RKS भदौरिया, और नेवी चीफ हैं आपके करमबीर सिंह। चलिए आज ले लेते हैं आप आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया। आपके पास ये चार ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट्स के लिए मैं करंट अफेयर्स का वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जल्दी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। आपके एग्जाम से पहले 24 तारीख को एग्जाम है, उसके पहले आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें सभी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है जोर से इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई मन में डाउट कोई सुझाव तो हमें ज़रूर से बताएं। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट भी है www.careerupdate.co.in, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।